सुशांत सिंह राजपूत अक्सर जो है डायरी में एंट्री करते थे, आपने कई बार इस तरह की जो एंट्रीज हैं उनकी डायरी में देखी हैं। अब एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डायरी है उसकी हैंडराइटिंग से हम क्या समझ सकते हैं और क्या है। दरअसल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि जो सुशांत सिंह राजपूत की साल 2020 की डायरीज की एंट्री मिली है, आप पहले देखिए उनकी हैंडराइटिंग देखिए। कंपनी फॉर्मेशन स्टेप 1, स्टेप 2 FTII, PDT स्टेप 3 आइडिया फॉर फर्स्ट स्क्रीनिंग एक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने लिखी है। मीटिंग एंड लॉकिंग, ये सारी चीज़ें मीटिंग करके लॉक कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी। और अब जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है आदर्श मिश्रा, उन्होंने उनकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस करके बताया है। आप पहले उनकी हैंडराइटिंग देखिए। उनका ये कहना है कि जितनी चीज़ें हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनके फ्यूचर की है वो उन्होंने अपने पन्नों में लिखी हुई है, डायरी में लिखी हुई है। और कई लोगों जो सपने देखते हैं, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग इस तरह होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान डिप्रेस हो तो हैंडराइटिंग डाउनवर्ड होती है, और उनकी हैंडराइटिंग में कहीं पे भी नहीं है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर चीज़ें हैं। उनका विजन क्लियर है, सोच क्लियर है, और जो है वो आगे जाने की बात कर रहे हैं, और वो चीज़ उनकी हैंडराइटिंग में दिखती है। तो जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है आदर्श मिश्रा, उनका ये मानना है कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है, जो लो फील करता है, उसकी हैंडराइटिंग जो है डाउनवर्ड जाती है। जबकि सुशांत की हैंडराइटिंग जितने भी नोट्स मिले हैं साल 2020 के, उनकी आखिरी पोस्ट, वो सभी ये बताता है कि सुशांत जो है डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं थे।